ओम शांति, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आज फिर एक नए सोच, नए टॉपिक, नए एक संकल्प के साथ एक टॉपिक है जिसे आप सभी को सुनना है, समझना है। आज हम बात करेंगे यात्रा। एक होती है शारीरिक रूपी, शरीर रूपी यात्रा, और एक होती है रूहानी यात्रा। यूं तो देखिए, सफ़र यात्रा 2400 घंटे, या यूं कहें तो भी गलत नहीं होगा कि 24 घंटे क्या हम रात दिन सोते हुए भी एक यात्रा पर रहते हैं। हर कोई रहता है, एक छोटा बच्चा, अबोध बालक भी एक यात्रा पर रहता है। उसे कहते हैं मन की यात्रा, जो मन से हर कोई हर समय कहीं ना कहीं यात्रा, मन रूपी यात्रा चलती ही रहती है। यात्राएं कई तरह की होती हैं। हर कोई उड़ना जानता है, हर कोई उड़ना चाहता है, लेकिन वो उड़ान किस तरह की हो? हर कोई सफ़र करता है, लेकिन वो सफ़र किस तरह का हो? यह बात समझनी चाहिए। सफ़र भी कई तरह के होते हैं। एक सफ़र होता है जब आप घर से निकलते हैं तो आपके साथ कुछ एक ऐसा सामान होता है जिसकी टेंशन में, जिसकी चिंता में आप हल्के होकर के सफ़र नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास में कुछ एक इम्पोर्टेंट, कॉस्टली साथ में सामान होता है जिसके चलते आप सफ़र करते समय उस सामान के चोरी होने का या मिस ना हो जाए, गुम ना हो जाए, इस बात का डर रहता है। एक सफ़र होता है जो हम इलीगली करते हैं, जिसमें हमें ऐसा पता होता है कि हमें यह सब सामान साथ में लेकर के नहीं चलना है, और आप लेकर के जाएंगे तो इसमें फंसने के पूरे चांसेस हैं। फिर भी कई कई होते हैं जो जाने अनजाने भी वह सामान साथ लेकर के चलते हैं, तो पूरा सफ़र जो है आपका एकदम टेंशन से भरा हुआ होता है, चिंता से भरा हुआ होता है, डर से भरा हुआ होता है, क्योंकि आप लीगली सफ़र नहीं करते हैं तो आपको पकड़ जाने का, और पकड़ने के बाद सज़ा ना मिले, इस बात का डर बना रहता है। मिल गई तो क्या करेंगे? फिर भी आप वह रखते हैं साथ में। और एक सफ़र होता है बिल्कुल रूल के मुताबिक चलना, और वही सब कुछ साथ में लेकर के चलना, और वही सब नियम के अनुसार अपने साथ में जिस जिस तरह से सामान जिस जिस प्लेस में रखना होता है उस तरह से जमा करके सामान बाकायदा अपने साथ में लेकर के चलना। तब आप हल्के हो करके, फ्री हो करके, निश्चिंत हो करके, एकदम टेंशन फ्री हो करके सफ़र करते हैं। और सफ़र सबसे बेस्ट वही होता है जिसमें आप लीगली सब रूल्स को फॉलो करते हुए सफ़र करते हैं। यहाँ हम बात करेंगे रूहानी सफ़र की, ये मन रूपी सफ़र की, जो बिना टिकट, बिना खर्चा हर कोई सफ़र हर पल करता तो है, लेकिन ये रूहानी सफ़र, ये जो मन का सफ़र है, ये मन बुद्धि का जो त्रिनेत्र है, जो ज्ञान रूपी त्रिनेत्र के बारे में हमें स्वयं परमात्मा ने आकर के नॉलेज दी है, समझ का तीसरा नेत्र जो आत्मा रूपी दिव्य चक्षु परमात्मा ने हमें दिया है, वो मन रूपी आँख को, उस त्रिनेत्र को आपको किस तरह के सफ़र में सदा लगा करके रखना है। करता सब है, करते सब हैं, लेकिन कैसी होनी चाहिए वह परमात्मा आकर के हमें बताते हैं। बेसिकली परमात्मा ने कुछ एक रूल दिए हैं कि आप कैसे निश्चिंत होकर के, कैसे हल्के होकर के, कैसे लाइट बन करके आप सदा शक्तिशाली अनुभव करते हुए सफ़र कर सकते हैं। उसके लिए आपको व्यर्थ से मुक्त होने के लिए व्यर्थ को समर्थि में बदली करना होगा, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से दबाना होगा, शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्पों से आपको जो व्यर्थ के संकल्प हैं उस शक्ति से उसे दबाकर रखना होगा। आपको वही संकल्प करने होंगे जिससे आपको मुश्किल ना हो,
बोझ के नीचे ना हो, बोझ के तले दबे रहेंगे तो आप रूहानी सफ़र में असमर्थ रहेंगे, रूहानी सफ़र नहीं कर पाएंगे। वो किसी भी तरह की यदि आपके पास समस्या है, कुछ एक ऐसे असमर्थी है ना, नेगेटिविटी है जिसे बैड एनर्जी कहते हैं, या कुछ इस तरह की चिंता है जिसे आप तो उस चिंता को दूर नहीं कर सकते लेकिन फिर भी चिंतित हैं, जबकि वो चिंता में कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि आपको यदि पास्ट को पकड़ करके चल रहा है तो भी वो भूत बन करके आपको पकड़ कर रखेगा और आप सही रीति चल नहीं पाएंगे। हमेशा भय डर पास्ट आपको पकड़ के रखता है, वही भूत बन के आपको लगता है और फिर वही डराता है। एक होता है फ्यूचर, जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता रहता लेकिन फिर भी हम फ्यूचर को लेकर के सफ़र करते रहते हैं, चिंते रहते हैं, बोझ से दबे रहते हैं कि ना जाने क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, और कुछ भी समस्याएं हैं तो ये समस्याओं का निवारण कैसे होगा, जबकि आपको कुछ भी नहीं पता होता। पास्ट बीत गया, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, फ्यूचर का आपको कुछ भी पता नहीं है, फिर भी हम उसमें उलझे रहते हैं। कोई ऐसी बात जो पकड़ कर रखते हैं, कोई ऐसी बात जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो ये यात्रा हमें क्या करती है, उड़ने नहीं देती है, रूहानी उड़ान भरने नहीं देती है, खुद को हल्का नहीं होने देती है। लाइट नहीं होंगे तो उड़ेंगे कैसे, लाइट नहीं होंगे तो चमकेंगे कैसे, लाइट सामने वाले को नहीं देखेंगे तो आप लाइट कैसे बनेंगे, आप उसको भारी देखेंगे तो आप भी भारी हो जाएंगे। तो इसी तरह से जो परमात्मा कहते हैं कि ना तो पास्ट को पकड़ना है और ना ही फ्यूचर को सोचना है, सिर्फ आपका जो पल है, जिस पल में आप हैं, आपको अगले क्षण का भी नहीं पता, तो आपका जो प्रेजेंट है वही आपका है, बाकी कुछ भी नहीं है, और ये संसार में आपका कुछ भी नहीं है। जिस शरीर को, जिस वेट को, जिस वजन को आपने जन्म जन्म अपने साथ रखा और जिसे आप पहन कर रखते हैं, वो शरीर को जब ये आत्मा छोड़ चली जाती है तो कुछ एक घंटों में शरीर को भी विनाश कर दिया जाता है। ये शरीर खुद जब आपका नहीं है तो इस संसार में जो भी आप इन आँखों से देख पा रहे हैं वो कुछ भी आपका नहीं है, यह सच्चाई है, चाहे आप इसे एक्सेप्ट करें और चाहे ना करें, लेकिन यह सत्य है। तो जब आपको यह सत्य पता है कि एक दिन ये छूटना ही है तो इतना मोह, इतना लगाव क्यों? और इस शरीर के संबंधों से, भौतिक सुख सुविधाओं से और की चाहत में क्यों जीना, जबकि आपको पता है? तो ये हमारा असमर्थी है, हम निश्चिंत नहीं रह पाते हैं क्योंकि हम उसके पीछे भागते हैं। हम खुशियाँ बाहर ढूंढते हैं जबकि खुशियाँ बाहर हैं ही नहीं, बाहर सिर्फ और सिर्फ शरीर के संबंध के, स्वार्थ के और इसके शान शौकत के साधन आपको मिलेंगे, लेकिन एक अंदर बैठी हुई आत्मा के साधन को ढूंढना और खुद को पहचानना और उसके सद्गुणों को जानना, वह आपकी समर्थी है। एक्चुअल में आप कौन हैं, यह बात आपको समर्थी में ले जाती है, वह अंदर बैठी हुई आत्मा के स्वरूप को जानना, कि आत्मा शांत स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, चैतन्य आत्मा जो पवित्र आत्मा है, वो विकारी आत्मा अभी बनी है, वो निर्विकारी आत्मा बनानी है, और हमारे जो सद्गुण हैं, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, और हमको जो परमात्मा ने दिए हैं, जो भी हमें अष्ट शक्तियाँ परमात्मा ने दी हैं, वो अष्ट शक्तियाँ एक्चुअल में आपके निज गुण हैं, जिन 7 गुणों को हम भूल गए हैं, उन गुणों को अब आपको समर्थी में ले जाना है, उससे समझना है, पहचानना है, और फिर आपको रूहानी यात्रा में रहना है। तो कुछ इस तरह की यात्रा करिए। आपने देखा होगा जब कभी छोटा बच्चा सफ़र करता है तो वो एकदम निश्चिंत रहता है, कोई सफ़र में उसको सामान की चिंता नहीं, कुछ भी फिक्र नहीं रहती है, ऐसे ही आपको बिल्कुल सहज हो जाना है। और जो आत्मा के सद्गुण हैं, जो हमने अवगुणों की वजह से पत्थर बन गए हैं, अब उनको हीरे बनने के लिए वापस वही फोल्डर ओपन करना है, जो फोल्डर बंद हो गया उस फोल्डर को अब वापस खोलना है। तो वही जो परमात्मा ने अल्फाबेट से भी बताया है,
कि हमारी आत्मा के जो सात जेवर हैं वो सात जेवर कौन कौन से हैं। तो सुख, शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, ये हमारे गुण हैं और वही बार बार मांग करती है। आत्मा प्रेम चाहती है, आत्मा सुख चाहती है, आत्मा शांति चाहती है। आत्मा तो है ही शक्तिशाली, क्योंकि शरीर को चला रही है, 84 के पार्ट में आई है, तो वो है ही। तो जब हम इस तरह का दिन रात मनन चिंतन करेंगे तो आप हल्के रहेंगे, श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित रहेंगे, तो आपकी स्थिति सदा हल्की बनी रहेगी, शक्तिशाली बनी रहेगी, जिससे फिर आपको उस रूहानी यात्रा करने में बहुत सहज होगा। और रूहानी यात्रा करने के लिए आपको परमात्मा कहते हैं, यात्रा भल करो, लेकिन यात्रा मेरे पास आने जाने की करो। मेरे पास आओ, कभी नीचे जाओ, कभी ऊपर जाओ, रहना एक जगह नहीं है, सदा ये ड्रामा चलता रहता है। सो मेरे पास उड़ते रहो, और मेरे पास उड़ने का मतलब है कि आप अपनी स्थिति को मजबूत बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, आत्मिक बल इकट्ठा करो, और खुद को निराकार ज्योति स्वरूप, परमात्मा की बिंदु स्वरूप आत्मा, मैं परमात्मा की बच्ची हूँ, बच्चा हूँ, और बाकी सबको भी भ्रकुटी के बीच ही विराजमान आत्मा समझें, साक्षी होकर के हर एक के पाठ को देखें। ऐसे में आपको किसी को भी देख करके कभी भी किसी भी तरह के व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। अच्छा, यही रूहानी यात्रा करनी है, करानी है, और जब तक जीवन है तब तक यह यात्रा पर लगातार रहना है, नींद में भी रहना है। तो यही यात्रा की बात परमात्मा आकर के हमें समझाते हैं कि किससे योग लगाना है, किससे खुद को जोड़ना है और किससे आपको माइनस करना है, कहाँ घटाना है और कहाँ जोड़ना है। तो यह है आज के टॉपिक का टोटल बात। तो आप भी यात्रा करते हैं, हर कोई करता है, लेकिन अब यात्रा कहाँ करनी है, कैसे करनी है, कैसे जाना है और कैसे आना है, ताकि आपको कोई पकड़ने का डर ना रहे, कोई चोरी का डर ना रहे, कोई किसी तरह का भय ना रहे, और निश्चिंत होकर, हल्के होकर के आप यात्रा में दिन रात लगी रहें, मेहनत ना लगे, पैसा ना लगे, खर्चा ना लगे, और आप यात्रा पर रहें। अच्छा, आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, सुनिए, समझिए, सुनाइए, धारणा कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और परमात्मा का साथ हमेशा आपके ऊपर बना रहे, वो सदा का साथी है, बस अनुभव करिए और उसका साथ लेकर के चलते रहिए। अच्छा, ओम शांति, नमस्कार, शुक्रिया।